गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आगे हमने मैथ्स के अंदर 5.3 के 7 सवाल कंप्लीट किए थे। कितने क्वेश्चंस किए थे? 7 क्वेश्चंस किए थे। पांच ही प्रश्नावली हम चल रहे थे, 5.3 उसके 7 सवाल हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 5.3 का 8वां क्वेश्चंस लेंगे। तो 5.3 का आज है 8वां क्वेश्चंस। देखो क्या है, एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, यानी a बराबर 8 हो गया। फिर कहा है nवा पद 33 है। इसका nवा पद का मतलब an कितना है? 33। ये 33, यानी n का मान हमें नहीं पता है इसमें कि कौन सा। तथा पहले n पदों का योग 123 है। n पदों का योग कितना है? 123 है। तो हमें कहा है n तथा सार्वंतर d ज्ञात कीजिए। एक तो n की वैल्यू निकाले और एक सार्वंतर किसकी वैल्यू निकाले? d की वैल्यू। तो एक तो हमें n ज्ञात करना है, एक क्या ज्ञात करना है? d ज्ञात करना है। एक तो n की वैल्यू निकालनी है और एक किसकी वैल्यू निकालनी है? d की वैल्यू हमें निकालनी है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व सबसे पहले हम n की वैल्यू देखो, a है, an है और sn है। a है, an है और sn है। d हमारे पास नहीं है, इसका मतलब योग वाला शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू वहां से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर a है, an है। अगर मैं d की वैल्यू निकालूंगा, सबसे पहले तो d की वैल्यू के लिए मुझे क्या चाहिएगा? मुझे a चाहिएगा और n चाहिएगा, तो d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो n तो हमारे पास नहीं है, तो हम sn वाले फॉर्मूले से पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे। तो शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, sn बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस an। ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे और यहां से n की वैल्यू निकल जाएगी। तो sn कितना है बताओ? 123 है। तो ये रख दिया मैंने यहाँ 123 बराबर n बटा 2। बताओ कोष्टक a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 8 है। बताओ an की वैल्यू कितनी है? an की वैल्यू 33 है। आई बात समझ में? चलो आगे देखो, बताओ आगे सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा? 123 बराबर n बट्टा 2 कोष्टक 8 और 23, 8 और 33 को जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे? 41 हो जाएंगे ना। ये हो गए 41। 8 और 33 को जोड़ूंगा तो 41, 2 का 123 से गुणा करूंगा तो कितने हो जाएंगे? 246 बराबर 41 का n से गुणा करूंगा तो 41 का n से गुणा कर दिया तो 41n, और 2 का 123 से गुणा किया तो कितने हुए? 246। अब 41 का इसके अंदर भाग देना है। देखो 41 का इसके अंदर भाग कितनी बार जा रहा है? 6 बार जा रहा है ना, 6 बार। तो इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 6। तो 41 का भाग 246 में कितनी बार जा रहा है? 6 बार। इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 6 आ गई। n का मतलब क्या हुआ है? छठा पद है और ये मतलब 6 पदों का योग है। n की वैल्यू 6 है, इसका मतलब ये छठा पद है और ये 6 पदों का योग है। अब छठे पद को हम क्या लिखते थे बताओ? हमें d निकालना है तो मैं ऐसा लिख दूं, a6 बराबर कितना है? 33 है। a6 बराबर कितना है? 33 है। तो बताओ a प्लस 6 को क्या लिखेंगे? 5d बराबर 33, क्योंकि अब हमें d की वैल्यू निकालनी है ना। तो a6 बराबर 33, a का मान हमारे पास कितना है? 8 है। तो 8 प्लस 5d बराबर 33। बताओ 8 को उधर भेज दूँ तो बताओ क्या रहेगा? 5d बराबर 33 माइनस 8, यानी 5d बराबर 33 में से 8 गए तो बताओ क्या रहे? माइनस के 25 रहे कि नहीं रहे? माइनस के 25 रहे, और प्लस के 25 रहे, और 5 का 25 में भाग दिया तो कितनी बार? 5 बार। तो d बराबर कितना आ गया? 5। यानी d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 5, और n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 6। तो ये दोनों के आंसर हमारे पास आ गए, n की वैल्यू 6 आ गई और d का मान कितना आ गया? 5 आ गया। तो इस तरीके से हमें इस सवाल को करना था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 8। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 9वां क्वेश्चन। देखो 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। 280 रुपये की राशि रखी है, वो 4 पुरस्कार उसमें दिए जाएंगे। तथा पहले यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। क्या कहा है कि
प्रत्येक पुरस्कार है अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करनी है। देखो कितने पुरस्कार है, 4 पुरस्कार है। तो मान लिया प्रथम पुरस्कार, देखो मान लिया प्रथम जो पुरस्कार है, प्रथम जो पुरस्कार है यानी क्या है, 4 पुरस्कार से मान लिया प्रथम पुरस्कार ए मान लिया, A1 मान लिया, ये प्रथम पुरस्कार मैंने x मान लिया, क्या मान लिया x, आई बात समझ में? तो बताओ दूसरा पुरस्कार क्या होगा, सेकंड पुरस्कार ये A2 मान लेता हूँ, A2 बताओ क्या होगा, क्या कहा है, अपने से ठीक पहले से 20 रुपये कम है, अपने ठीक पहले से 20 रुपये कम है, x का 20 कम है यानी x माइनस 20 क्या हो जाएगा, x माइनस 20 हो जाएगा, समझ गए? पहला पुरस्कार x हो गया तो दूसरा पुरस्कार क्या हो गया, x माइनस 20। बताओ तीसरा पुरस्कार, तीसरे पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, A3 क्या हो जाएगा बताओ, इससे 20 रुपये कम है, यानी प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले से 20 रुपये कम है, ये वाला जो द्वितीय पुरस्कार है अपने पहले से 20 रुपये कम हो गया, 20 रुपये कैसे, इसका मान जितना होगा उसमें से 20 घटाया तो 20 रुपये कम हो गया, अब जो ये तीसरा पुरस्कार है वो इससे 20 रुपये कम है, इससे 20 रुपये कम का मतलब क्या हुआ बताओ, x माइनस 20 तो ये वाला है, इससे 20 रुपये कम है तो यानी 20 और घटा देता हूँ इसमें से, तो बताओ क्या हो जाएगा, तो तीसरा पुरस्कार हो जाएगा वो x माइनस 40 हो गया, x माइनस 40 हो गया, ध्यान रखना ये 40 ज्यादा नहीं है, ये कम है, 20 है ना, ये दूसरे पुरस्कार 20 था माइनस 20, इससे 20 रुपये कम है, तो बताओ इससे ये 40 रुपये कम होगा, तो x में से भी इससे 20 रुपये कम, इससे ये सेकंड वाले का मान, सेकंड वाले से ये तीसरा 20 रुपये कम है, क्यों कहा है कि अगला ठीक अपने से 20 रुपये कम है, तो ये सेकंड वाले से ये 20 रुपये कम है, इसका माइनस 20 माइनस 20 करके कितना हो गया, माइनस के 40 कम होंगे तीसरे में। चौथा देखो, तो बताओ चौथा पुरस्कार क्या होगा, चौथा पुरस्कार इससे 20 रुपये कम होगा ना, चौथा पुरस्कार क्या होगा, इससे 20 रुपये कम, इससे 20 रुपये कम होगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, x माइनस 40 में से 20 घटेगा, x माइनस 40 में से 20 घटेगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, x माइनस 60, ये ज्यादा नहीं है कम हो रहा है, ध्यान रखना, या 20 कम हुआ या 40 कम हुआ या 60 कम हुआ, तो 20 अपने पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो चौथा पुरस्कार x माइनस 60 हुआ, आई बात समझ में? अब देखो अब कुल राशि कितनी है, 4 पुरस्कार की कुल राशि जो है, चार पुरस्कार की कुल राशि है वो कितनी है, यानी S4 लिख दूं, कुल योग है, कुल योग का मतलब S4 हुआ, S4 कितना दिया हुआ है 280, कितना दिया हुआ है 280, तो चार पुरस्कार की जो कुल राशि है वो कितना है 280 रुपये है, चार पुरस्कार की जो कुल राशि है वो कितनी दी हुई है 280 रुपये, टोटल इन चार पुरस्कार की राशि इनका योग कितना दिया हुआ हमें 280 दिया हुआ है। अब हमें प्रत्येक की राशि निकालनी, बताओ एक AP बन गई हमारे पास, चलो तो अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक का मान निकालना है हमें, देखो ये हो गया तो AP क्या बन गई बताओ, यहाँ पर AP बन गई, एक तो x, एक बन गया x माइनस 20, एक बन गया x माइनस 40 और एक बन गया x माइनस 60, प्रत्येक में 20 रुपये कम है, बताओ अब हमें क्या दिया, S4 यानी योग दिया हुआ, योग से मैं फॉर्मूला निकालूंगा, तो A की वैल्यू मुझे पता है, मुझे A एन अंतिम बाबत भी पता है, तो मैं शॉर्ट फॉर्मूला ही लगा देता हूं, तो बताओ यहाँ A की वैल्यू कितनी है x है, बताओ यहाँ D की वैल्यू कितनी है, D कितना कम करो 20 ना, तो x माइनस 20 में से ये दूसरा पद, ये तो पहला पद है आपके पास, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है, वो हमने लिख दिया यहाँ पर, ये बताओ D कैसे निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा ना, कैसे, दूसरे पद में से पहला पद, तो ये दूसरा पद इसमें से पहला, x से x कट गया तो इसका बताओ कितना रहा, माइनस के 20 रहा, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का 20 घटाने पे आई है इसलिए माइनस के 20, अभी बात ये d की वैल्यू आ गई। अब देखो अब मैं Sn वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस an, मैंने शॉर्ट फार्मूला क्यों लगाया, तो आपको पता होगा कि Sn यानी चौथा पद का हमें मान दिया हुआ है, n हमें पता है 4 पद है, a की वैल्यू हमें पता है x है, और an अंतिम वाला पद भी हमें पता है कि अंतिम वाला पद चौथा पद है वो x माइनस 60 है, चाहे तो हम बड़ा फार्मूला भी लगा सकते थे और चाहे तो हम छोटा फार्मूला भी लगा सकते, क्यों, क्योंकि हमें n की वैल्यू पता है कितने पद है 4 पद, और a का मान पता है कितना है x है, अंतिम वाला पद कौन सा है चौथा पद x माइनस 60, तो वो भी पता है हमें, तो डायरेक्ट फार्मूला, तो s n यानी 4, S4 की वैल्यू कितनी है बताओ, ये S4 की वैल्यू हमारे पास हो गई 280, ये 280, ये बताओ n की वैल्यू कितनी है 4 बटा 2, बताओ a की वैल्यू कितनी है x है,
और an कितना है x माइनस 60, x माइनस 60। बताओ दो से चार कितनी बार कटा, दो बार। इस दो से आप 180 को काट सकते हो तो ये 140 हो गए। देखो दो से चार कटा दो बार, इस दो से चार कटा दो बार, इस दो से 280 काट सकते हो तो कितने हुए 140। 140 बराबर यहाँ x और x मिलके क्या बन गया 2x माइनस 60। बताओ ये 60 भी इधर आ जाएगा, 60 इधर आ जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा 140 प्लस 60 बराबर में कितने रह जाएंगे 2x। बताओ 140 और 60 कितने हो जाएंगे। मैं यहाँ सॉल्विंग करता हूँ इसकी, बाकी की सॉल्विंग यहाँ करता हूँ तो 2x बराबर 140 और 60 कितने हो गए 200। 2 का मैंने भाग दिया इसके अंदर तो कितने आ गए अपने पास 100 आ गए। इसका मतलब x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 100 आ गई। इसका मतलब पहला पुरस्कार आपके पास आ गया है, पहला पुरस्कार की राशि कितनी आ गई 100। पहले पुरस्कार की राशि कितनी आ गई 100। अब आपको दूसरा पुरस्कार, दूसरा इससे 20 रुपये कम है तो बताओ ये पहला पुरस्कार हो गया। अब सेकंड पुरस्कार बताओ इससे 20 रुपये कम है तो बताओ कितना हुआ 80 हुआ। तीसरा पुरस्कार बताओ इससे 20 रुपये कम है, इससे 20 रुपये का कम का मतलब 60 हो गया। और चौथा पुरस्कार इससे 20 रुपये कम है बताओ कितना हो गया 40 हो गया। अगले अगले इस तरीके में फॉर्मूले में मान रखोगे तब भी यही आएगा, x की वैल्यू 100 आ गई। सेकंड पुरस्कार 100 में से 20 गया तो 80 आ गया, तीसरा पुरस्कार 100 में से 40 गया तो 60 आ गया, और चौथा पुरस्कार 100 में से 60 गया तो 40 हो गया आंसर। आई बात समझ में? तो देखो 100 80 इन टोटल को जोड़ोगे आप तो 280 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं 280। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्विंग कर लिया। आई बात समझ में? चलो अब मैं इसका एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है? उसका आंसर मैं कल बताऊंगा आपको। एक देता हूँ मैं इसका, इसी तरीके से आप भी इसको सॉल्व करोगे। क्वेश्चन लिख दो एक, अब हमको जरूरी नहीं है कि पहला और दूसरा पद, दूसरा पद ज्ञात करने के बाद सबसे लास्ट वाला चौथा पद भी ज्ञात कर देते, तीसरा पद ज्ञात करने की इसमें जरूरत भी नहीं थी, अंतिम वाला पद भी हम ज्ञात कर सकते थे डायरेक्ट। तो ध्यान, अब आते हैं हम दसवां क्वेश्चन इसका, क्या कहा है देखो। एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी और सातवें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। तीसरे वर्ष तो 600 टीवी बनाता है, इसका मतलब A3 बराबर कितना है 600, और सातवां वर्ष यानी A7 बराबर कितना है 700। सातवें वर्ष में वो 700 और तीसरे वर्ष में वो 600 टीवी बनाता है, ये मानते हो कि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन एक समान रूप से निश्चित संख्या में, तो ज्ञात करना है। सबसे पहला ज्ञात करना है, तीन आंसर यहाँ तीन सॉल्विंग हमें दी हुई है। पहले तो कहा है प्रथम वर्ष में उत्पादन ज्ञात करो कि प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन किया, तो प्रथम वर्ष में उत्पादन एक तो इसका आंसर निकालना है प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन, दूसरा जो है दूसरा ये कह रहा है वो है दसवें वर्ष में उत्पादन, दसवें वर्ष में उत्पादन, और जो तीसरा कह रहा है, तीसरा इसमें क्वेश्चन कह रहा है सात वर्षों में कुल उत्पादन। कुल उत्पादन तीन सॉल्यूशन हमें निकालने हैं, समझ गए? पहला तो क्या कहा है पहले वर्ष में कितना उत्पादन कर रहा है, फिर दसवें वर्ष में कितना उत्पादन कर रहा है, फिर सात वर्षों में कुल कितना उत्पादन किया, इन तीनों का आंसर हमें निकालना है। तो देखो पहले ये क्या है A3 बराबर तीसरे वर्ष में 600, सातवें वर्ष में कितना है 700 का उत्पादन कर रहा है। A3 बराबर 600 है और A7 बराबर 700 है। आई बात समझ में? चलो तो प्रथम वर्ष में निकालना, देखो दो मान हमें दिए हैं तो सॉल्यूशन करता हूं मैं इसकी। देखो मैंने जब भी कहा था कि जब भी दो ऐसे फॉर्मूले आते हैं तो हमें समीकरण बनेगा सीधा, तो बताओ क्या है A3 बराबर कितना है 600। बताओ A3 को क्या लिखूंगा A+2D बराबर क्या लिखूंगा 600। ये इक्वेशन क्या होगी मेरे पास फर्स्ट। अब बताओ अगला क्या है A7 बराबर कितना है 700। बताओ A7 को मैं क्या लिखूंगा A+6D बराबर क्या हो गया 700। ये इक्वेशन क्या होगी सेकेंड। अब आप बताओ मुझे इसको मैं घटा सकता हूँ ना, ये प्लस है ना, तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटा देते हैं, इक्वेशन सेकंड को घटाने पर, घटते कभी आपको बताया दोनों प्लस होते हैं तब, तो A+2D बराबर 600 और यहाँ हो गया A+6D बराबर 700। बताओ ये माइनस माइनस माइनस, बताओ ए से ये कट गया
6d में से 2d गया तो क्या रहा, माइनस का 4d, और 700 में से 600 गए तो माइनस के 100 रहे, माइनस 4 से माइनस के 100 कट गए तो बताओ कितनी बार कट गए, 25 बार। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 25। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 25 आ गई। बताओ मैं इस d का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दूं, तो देखो d का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर तो बताओ क्या हो जाएगा, a प्लस d का मान कितना है, 25। तो 2 इंटू डी कितना है, 25, तो 25 बराबर कितना है, 600, ये 600। बताओ a प्लस 25 का 2 से गुणा किया तो 50 बराबर कितना हो गया, 600। बताओ a बराबर क्या हो गया, 600 माइनस 50। बताओ a की वैल्यू कितनी आ गई, 550। तो बताओ पहला वर्ष आ गया, ये रहा पहले का आंसर हमारे पास आ गया, प्रथम वर्ष में उत्पादन। प्रथम वर्ष का मतलब a का मतलब पहला, पहला मान है ना, पहला उत्पादन हो गया, तो पहला पद जो आ गया वो 550, यानी प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन आ गया, 550। तो ये आंसर हो गया प्रथम वर्ष में उत्पादन, पहले का आंसर हो गया। अब देखो क्या कहा है, अब दसवें वर्ष में, दसवें वर्ष का मतलब दसवां पद, दसवें वर्ष का मतलब दसवां पद, तो दसवां पद, दसवें पद का मतलब, दसवें वर्ष का मतलब दसवां पद, यानी a10। तो बताओ a10 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 9d। तो बताओ a10 बराबर a की वैल्यू कितनी आ गई, 550 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी, 25। तो बताओ क्या हो जाएगा, a10 बराबर 550 प्लस 9 का 25 से गुणा करेंगे तो बताओ कितने हो जाएंगे, 225 हो जाएंगे ना, ये 225, 9 5 25 9 5 45, 4 9 18 4 22, 225। तो बताओ a10 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 500 और 200 कितने हो गए, 700, और 25 और 50 कितने हो गए, 75, तो कितने हो गए, 775। तो आंसर इसका कितना आ गया, 775। ये दसवें वर्ष में उत्पादन हो गया, 775। दसवें वर्ष में कितना उत्पादन हो गया, 775। आई बात समझ में, 550 किसकी, ए की वैल्यू, 9 इंटू डी का मान हमारे पास कितना आ गया था, 25 आ गया था ना, तो ये डी की वैल्यू 25 होगी, तो क्या हो गया, 9 5 45, 5 8 9 18 18 4 22, 225, और 550 में जोड़ दी तो हमारे पास कितना आ गया, a10 बराबर 775। तो दसवें वर्ष में 775। चलो अगला मुझे बताओ, ये दसवें वर्ष में हो गया, अब क्या कहा, सात वर्षों में कुल उत्पादन। आई बात समझ में, यानी कुल टोटल ज्ञात करना है, SN ज्ञात करना है, कितने, 7 वर्षों का SN ज्ञात करना है। तो बताओ मैं SN वाला फॉर्मूला लगा दूं, SN वाला फॉर्मूला लगाऊं तो क्या हो जाएगा, SN बराबर, शॉर्ट वाला फॉर्मूला लग रहा हूं, एन बट्टा दो कोष्टक ए प्लस ए एन, शॉर्ट वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे सारे मान पता है, एस एन निकालना है 7 वर्षों का, ये 7/2 कोष्टक ए की वैल्यू आपके पास पहले ही आ गई है, कितनी है, 550। बताओ ए एन की वैल्यू भी आपके पास है, सातवां पद, इस 7 वर्षों का योग ज्ञात करना है, तो ये लास्ट वाला सातवां पद ही होगा, तो बताओ सातवां पद कितना है, 700। तो ये सातवां पद कितना हो गया, 700, दोनों को जोड़ देते हैं तो बताओ क्या हो जाएगा, S7 बराबर 7/2 इंटू 500, 700 1250, और 2 का मैंने भाग दिया तो 625, कितने हो गए, 1250 में भाग दिया 625, 625 का किससे मल्टीप्लाई, 7 से, तो S7 बराबर बताओ 7 5 कितने हुए, 7 5 35, 35 के 5 हासिल के 3, 7 2 14, 14 और 3 17, हासिल का कितना हो गया 1, 7 6 42, और कितने हुए 43। तो बताओ 7 पदों का योग कितना हुआ, 4375। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 4375। आई बात समझ में, तो 4375, ये 7 पदों का योग हो गया। तो ये आ गया हमारे पास पहला पद, पहला आंसर, ये दसवां पद, ये दूसरा आंसर हो गया 775। और फिर कहा है कि 7 पदों का योग ज्ञात करो, तो हमने 7 पदों का योग ज्ञात कर लिया, कितना आ गया, 4375। तो 7 पदों का योग कितना हो गया, 4375। तो ये होगी कंप्लीट हमारे पास 5.3 प्रश्नावली जो है वो आज हमने कंप्लीट कर ली। अब इसकी रही है विविध प्रश्नमाला, अब कौन सी रही है, विविध प्रश्नमाला। तो हम कल से विविध प्रश्नमाला स्टार्ट करेंगे। आज हमने कहाँ तक कर लिया, 5.3 को कंप्लीट,
5.3 तक के क्वेश्चन आपको करने हैं। अब विविध में क्या है, देखो विविध में जो क्वेश्चन आपसे होते हैं वो तो आपको करने हैं। जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं 5.1, 5.2, 5.3, इसके बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम करेंगे। 5.1, 5.2, 5.3 में जो भी मैंने पढ़ाए हैं, अब वो सारे क्वेश्चन विविध में आएंगे। तो जो जो आपसे विविध के सवाल जो आपसे हो वो तो आपको करने हैं, और बाकी मैं अपने आप बोर्ड पर करवाऊंगा। ध्यान रखना 5.3 के क्वेश्चन जो है, 5.2 के, 5.1 के, वो सारे जो मिक्स है वो किसमें आएंगे, विविध में आए। कुछ अलग सवाल भी है विविध में, तो आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपसे हो जाते हैं, उनके आंसर आप निकालना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये जो पढ़ाया हुआ है ना ये सारा विविध में आता है, और उससे कुछ रिलेटेड और जो क्वेश्चंस होते हैं एडवांस, वो क्वेश्चंस भी विविध में होते हैं। तो जो आपसे होते हैं वो आपको करने हैं, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होते उनको छोड़ देना है। वो मैं बोर्ड पे क्रम बाय क्रम मैं आप कहता रहूंगा कि ये क्वेश्चंस अलग तरीके का है, इसको मैं करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं। मैं ऐसे ही बता दूंगा कि ये क्वेश्चंस आपके लेवल का है, और जो मेरे लेवल का है, जो पढ़ाने का है, वो मैं अपने आप ही करवा दूंगा। आई बात समझ में? तो आज हमने कंप्लीट कौन सी कर ली, 5.3। तो कंटिन्यू आप पढ़े। मैंने आपके लिए जब आप YouTube खोलोगे तो मैंने अलग अलग अब आपकी एक प्लेलिस्ट बना दी है। इंग्लिश के सारे वीडियो एक तरफ है, मैथ्स के सारे वीडियो एक तरफ है, और साइंस के सारे वीडियो एक तरफ है। 40-40 वीडियो कम से कम बन चुके हैं, 38-38 एक में 40 वीडियो बन चुके हैं। तो आपकी प्रत्येक यूट्यूब, जब म्यूर स्कूल जालोर के नाम से जब यूट्यूब आप खोलोगे तो यूट्यूब में प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में आप इंग्लिश प्लेलिस्ट में जब जाओगे, ऊपर के ऑप्शन में प्लेलिस्ट आता है, वीडियोज प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट में आपके इंग्लिश की सारे एक तरफ वीडियो है, साइंस के सारे जितने भी वीडियो एक तरफ है, और मैथ्स के सारे वीडियो एक तरफ है। तो आपको जब भी मैंने प्लेलिस्ट को खोल के आप इंग्लिश के अलग से देख सकते हो, साइंस के, ताकि दोनों सब मिक्सअप नहीं हो। अब सब वीडियो मैंने अलग अलग बना दी है यूट्यूब के अंदर, साइंस के अलग, मैथ्स के अलग। और ध्यान रखें, जो भी वीडियोज है उन वीडियोज को जो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपके आसपास कोई टेंथ का स्टूडेंट रहता है जिसको भाई जरूरत होती है, टेंथ के स्टूडेंट को, कि भाई दूसरी स्कूल का है, कहीं पर भी है, उसको जरूरत है, कहीं पर भी हो, आपके आसपास के रिलेशन में हो जो टेंथ में हो, तो उन्हें आप अपने स्कूल का लिंक भेजें, उन्हें कहें ये सब्सक्राइब करें, और फिर उसके बाद इन वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि 5-5 प्रश्नावलियाँ कंप्लीट हो चुकी है, 5 प्रश्नावलियाँ 4 प्रश्नावलियाँ कंप्लीट हो, 3 पार्ट हो चुके केमिस्ट्री के, समझ गए? तो किसी भी टेंथ वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। 9th वाले हैं आपके, कोई भाई बहन वगैरह 9th में पढ़ रहे हैं, तो उन्हें भी आप ये वीडियोस दिखा सकते हैं। इंग्लिश के वीडियोस हैं, मैथ्स की कुछ प्रश्नावलियाँ हैं, वो उनके भी काम आएगी, तो उनको भी ये शेयर करें, ताकि क्या है कि बहुत जनों तक ये लाभ पहुंचे। क्योंकि स्कूल खुले में अगर हो सकता है टाइम लगे 20 तब तक वो भी स्टडी अपना कर सकते हैं, क्योंकि सब बोर हो चुके हैं। तो आप उनकी प्लेलिस्ट में जाए, सारे वीडियो ऐसे कैसे हैं, तो वो लिंक उपलब्ध करा दें उनको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करेंगे।